नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। आपके साथ मैं हूं शिल्पी। तो देश में इन दिनों कैशलेस इंडिया की तो चर्चा है और कैशलेस इंडिया के लिए डिजिटल इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। अब आम आदमी को डिजिटल बनाने पर जोर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या गांव देहात तक ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं कि वहां पर लोगों को डिजिटल बनाया जा सके। ये सवाल इसीलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से आई ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप ही ये सवाल पूछ रहे हैं। यहां पर 78 साल का किसान अपने खेत तक पानी पहुंचाने के लिए बाल्टी से कुएं से पानी खींचता है। तो ऐसे में डिजिटल इंडिया की बात, लेकिन गांव में तो बुनियादी सुविधाओं का ही अभाव है। इंडिया डिजिटल हो चला है, लेकिन 78 साल के मंगलिया के खेतों में पानी आज भी पुराने अंदाज में ही पहुंचता है। 78 साल की पकी उम्र में भी इस बुजुर्ग किसान को अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल की है। बैतूल के कास्या गांव के ज्यादातर किसानों की हालत ऐसी ही है। डिजिटल इंडिया के नारे के बाद भी आज इस गांव में बिजली नहीं पहुंची है। सरकारी कागज पर कई योजनाएं हैं, लेकिन गांव तक खेती के लिए बिजली नहीं पहुंची। बिजली नहीं ना, कहीं नहीं है। ये हो गया 5-6 साल। 5-6 साल से ऐसे ही बाल्टी से ही करते हो? कितने घंटे बाल्टी चलाते हो? 2 घंटा। मदद नहीं करी? नहीं करिया, नहीं, बालू सरपंच होता। अच्छा, बोला था आपने उनको? आओ। तो क्या बोले वो? ये तो कुआ अधूरा रह गया ना। हमको बिजली की कमी है सर, और एक तो हमारे पास मोटर पंप नहीं है और इंजन भी नहीं है। हम एक तो पानी कैसे ले पाए, इसलिए हमने शासन को आवेदन दिया थे, मगर उसका भी कोई उठाव नहीं आया। मंगलिया 5 एकड़ जमीन के मालिक हैं। 10 साल पहले जीवन धारा योजना के तहत इनके खेत में कुआं खोदा गया था, लेकिन आधी खुदाई के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया। कुएं तक ना तो बिजली पहुंची और ना ही सिंचाई का कोई साधन मुहैया कराया गया। नतीजा ये कि मंगलिया बाल्टी के जरिए कुएं से पानी खींचते हैं। 78 साल की उम्र में भी उन्हें रोजाना 2 घंटे हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। ये करीब सर 10 वर्ष से देख रहा हूँ ऐसा। पहले इनने एक झीरा बनाया था, वहाँ पे भी उनने यही लगाया बाल्टी से, सब्जी भाजी लगाते थे और पास के मार्केट में चुना लोमा मार्केट भरता है वहाँ पे बेचते थे। और फिर ये शायद जीवन धारा का कुआ है। वो ऐसे सोचते भी है कि अपने पास कोई मतलब मोटर पंप वगैरह लेने के लिए पैसा नहीं है। सरकारी योजना के तहत मंगलिया को मदद मिलनी थी, लेकिन ये मदद आधी अधूरी ही मिली। अब अधिकारी कहते हैं कि जल्द ही इस किसान के खेत में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। इसको जिस भी प्रकार से होगा, हम लोग डीजल पंप, वहाँ आपने बताया कि अभी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाया है, तो अभी डीजल पंप की तत्काल व्यवस्था हम लोग देख सकते हैं कि ITBP से अथवा कृषि विभाग के किसी अन्य योजना से हम लोग उसका लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोगों का साधिकार अभियान भी चला है, तो उसमें भी मैं इसको एक केस स्टडी के रूप में देखूँगा कि हम लोगों ने कितना इंटेंसिवली किया है। देश डिजिटल हो इसके लिए पूरी जद्दोजहद हो रही है, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज भी देश के गांव सुविधाओं से दूर हैं। इरशाद हिंदुस्तानी, इंडिया 24/7, बैतूल। और वाराणसी के प्रमुख इलाकों में बिजली विभाग ने IPDS योजना के तहत बिजली के तारों को भूमिगत कर दिया गया। अब इससे लोगों में खुशी देखने को तो मिल रही है, ये रिपोर्ट देखिए इस पर। बेहतर विकास की ये तस्वीरें हैं PM के संसदीय क्षेत्र और बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी की।
जहां कुछ रोज पहले तक सड़कों और चौराहों पर बिजली के तारों का जंजाल दिखाई पड़ता था, पर अब यहां के प्रमुख इलाकों में बिजली विभाग ने आईपीडीएस योजना के तहत बिजली के तारों को भूमिगत कर दिया है, जिससे काशी नगरी की तस्वीर ही बदली बदली नजर आ रही है। बनारस के लोग विकास की इस बयार से काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक तरह से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जनरली क्या होता था, लोग अनावश्यक तार फंसाते थे, ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई। ठीक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। जैसे लग रहा है कि इतने सालों बाद कहीं पर कुछ काम हुआ है और पूरा कबीर नगर एकदम दूर तक एकदम साफ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। पीएम के वाराणसी दौरे पर कबीर नगर और मानस नगर कॉलोनी के विकास मॉडल के पेश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए काशी को दो भागों में बांटा गया है। नई काशी में बिजली विभाग की ओर से करीब 3200 घरों तक भूमिगत लाइन से कनेक्शन दिया गया है, जबकि अन्य जगहों पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत फायदा हो गया है, मतलब खास तौर से पूर्वांचल को और रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी अंडर जो लोग हुकिंग सिस्टम खत्म हो गया, हमें डिस्कनेक्शन के लिए पोल पे नहीं चलना पड़ता। हमारे जो बॉक्सेस हैं, अगर किसी का बकाया है तो हम उनको उन्हें स्विचेस से ऑफ कर देते हैं, तो हमारी ट्रिपिंग बिल्कुल मिनिमाइज हो गई है। ये हमारी तैयारियां तो पूरी हैं और हमने जहां तक बिजली का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोगों ने कबीर नगर क्षेत्र को पूरी तरह से ठीक कर रखा है। सालों से विकास का इंतजार कर रही बनारस नगरी में लोगों की अब कुछ उम्मीद जगी है। ऐसे में देखना यह है कि यूपी चुनाव से पहले क्या देश और प्रदेश के बाकी राज्यों में कुछ ऐसी ही विकास की तस्वीरें सामने आएंगी। वाराणसी से रवि कुमार, इंडिया 24/7। और वही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की नैनी सैनी हवाई पट्टी पर 9 सीटर VTL JS विमान की ट्रायल लैंडिंग हुई और इसे देखने आए लोगों ने काफी इसे सराहा। राज्य सरकार ने यहां 50 करोड़ की लागत से इस हवाई पट्टी का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण कराया है और इस ट्रायल लैंडिंग के बाद सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जहां कांग्रेस इसे पिथौरागढ़ के इतिहास में सुनहरा दिन मान रही है, बीजेपी इसे पूरी तरह से जनता के साथ छलावा बता रही है। बधाई दूंगा अपनी सरकार को जिन्होंने 50 करोड़ रुपये एक मुस्त राशि देकर इस सपने को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। पिथौरागढ़ एक झटके में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में उभर कर सामने आया है और निसंदेह आने वाला भविष्य पिथौरागढ़ का बहुत उज्ज्वल है। जब उद्घाटन की बात कर रहे हैं या इसमें नियमित वायु सेवा प्रारंभ करने की बात कर रहे हैं, उसमें वो फिर पुनः ड्रोन या 9 सीटर जहाज उतारने की बात कर रहे हैं, जो यहाँ की क्षेत्र की जनता ही नहीं पूरे राज्य की जनता के साथ छलावा है, क्योंकि वो उसकी जो कीमत होगी टिकट की वो इतनी अधिक होगी कि वो आम आदमी के क्षमता से बाहर हो जाएगा। ये एक प्राइवेट कंपनी के साथ हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने टाई अप किया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का इनिशिएटिव है, उन्होंने अपने स्तर से इसको कराया है। बहरहाल 9 सीटर चलेगी देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच में। और सूबे में प्राइवेट वाहनों में अवैध तरीके से नीली बत्ती लगाकर चलने वाले किसी भी तरह का कोई आदेश मानने को तैयार नहीं। आगरा में कई अधिकारी ऐसे नजर आए जो खुलेआम नीली बत्ती अपने निजी वाहनों में लगाकर चलने से परहेज नहीं कर रहे। अब ये वाक्य उस वक्त प्रकाश में आया जब तहसील सदर में 2 गाड़ियों से गाजियाबाद के निबंधक विभाग को टेक्निकल टीम के 3 सदस्य आगरा के निबंधन विभागों में जांच करने के लिए आए। दोनों ही गाड़ियों में जिन अफसरों ने नीली बत्ती लगाई वो वास्तव में इसके हकदार नहीं है। वहीं कानून के जानकार और प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो जिन वाहनों को राज्य सरकार खरीदती है उन्हीं वाहनों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हो सकता है, साथ ही राज्य सरकार की खरीदी गई गाड़ियों पर ही नीली बत्ती लगाई जा सकती है। प्राइवेट वाहनों पर इस तरह से नीली बत्ती लगाना पूरी तरह से नियम के खिलाफ है। अब इस मामले के सामने आने के बाद SDM की फटकार और उसके बाद AIG स्टाम्प RB सिंह ने दोनों गाड़ियों से नीली बत्ती उतार दी। नहीं, इसलिए लगवाया हुआ है जिससे मतलब सरकारी काम करने की वजह से इंस्पेक्शन करने आए यहाँ पे सब स्टार ऑफिस का ऑडिट टेक्निकल ऑडिट ऑफिस जो है गाजियाबाद से, तो देन फिर जब इसको वहाँ से लेकर आए ऑफिसियल कार्य के लिए तब इसमें लगाई गई है। जब इसमें ऑफिसियल कार्य नहीं करेंगे तो तब हटा देंगे। सर, राज्य सरकारी संपत्ति पे उत्तर प्रदेश का लिखाना है या प्राइवेट पे, क्या नियम है ये? नहीं, जब अब इसका यूज करेंगे ऑफिसियल कार्य के लिए तो अब उसमें नीली बत्ती लगा लें। प्राइवेट गाड़ी पर नीली या लाल बत्ती लगाना
के लिए अधिकृत नहीं है, सिर्फ शासकीय वाहनों पर ही नीली और लाल बत्ती का प्रयोग होता है। और उसका भी एक प्रोटोकॉल है कि किस स्तर का अधिकारी किस प्रकार की बत्ती का उपयोग करेगा। और क्या आपने आधुनिक युग में श्रवण कुमार को देखा है? चलिए हम आपको मिलवाते हैं सीतापुर के ऐसे ही पितृभक्त से जिन्होंने अपने दादा को डोली में लेकर तीर्थ यात्रा करने का जिम्मा उठाया। यूं तो श्रवण कुमार को आदर्श बेटे के तौर पर बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन हम आपको तस्वीरों के जरिए जिस युवक को दिखा रहे हैं वो भी आज के युग में श्रवण कुमार से कुछ कम नहीं है। दरअसल सीतापुर के रहने वाले पवन कुमार ने अपने दादा को तीर्थयात्रा कराने का जिम्मा उठाया और बरेली के रास्ते हरिद्वार समेत चार धामों की यात्रा पर निकल पड़े। पवन कुमार तराजू के एक पलड़े में अपने दादाजी को और दूसरे पलड़े में अपनी दादी की अस्थियों और उसके साथ कुछ वजन रखकर उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चल पड़े। पवन हरिद्वार में दादी की अस्थियां विसर्जित करने के बाद गोला, मिश्रिक और नैमिषारण्य धाम के दर्शन कराकर डोली को वापस अपने गांव ले जाएंगे। वो मेरी दादी की अस्थियां हैं और दादाजी के बराबर 47 किलो वजन दूसरी तरफ रखा हुआ है। हाँ, और इसका पूरा वजन 1 क्विंटल 10 किलो का है जो मैं लाद के चलता हूँ अकेले। वहीं अपने पोते के इस संकल्प पर पवन के दादा अपने पोते से बेहद खुश हैं और उनको दिल से दुआएं देते नहीं थक रहे। बहुत खुशी है भैया, हम कभी तीर्थ किए नहीं थे, हमने एक दिन बात करी तो कहा कि पापा हम तुमको तीर्थ कराएंगे। NH24 पर निकले इस पितृभक्त की हर ओर तारीफ हो रही है। बरेली के लोग पवन कुमार को असल जिंदगी में श्रवण कुमार से कुछ कम नहीं आंक रहे। सुबोध मिश्रा, बरेली, India 24/7। चलिए तो आपने आधुनिक युग के श्रवण कुमार को देखा, लेकिन इसी युग में नोटबंदी और उसके बाद कैश की परेशानी झेल रहे लोगों की मुसीबते तब तक कम नहीं होंगे जब तक वो कैशलेस पेमेंट को नहीं अपनाएंगे। भारत सरकार की ओर से स्किल इंडिया सोसाइटी गांव-गांव में कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए ट्रेनिंग भी दे रही है और झांसी में चल रही हस्तशिल्प प्रदर्शनी में भी कैशलेस पेमेंट से परेशान लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन की ट्रेनिंग दी गई। अब यहां लोगों ने ऐप के जरिए जमकर खरीदारी भी की, ये रिपोर्ट देखिए इस पर। कैशलेस पेमेंट से अनजान लोग नोटबंदी से ज्यादा परेशान है। झांसी में लगी इस प्रदर्शनी में हस्तशिल्पकार इस चिंता में थे कि नोटबंदी के समय भला कौन उनकी प्रदर्शनी में आकर सामान खरीदेगा, लेकिन उनकी चिंता को स्किल इंडिया सोसाइटी ने दूर कर दिया। स्किल इंडिया सोसाइटी की टीम ने सभी हस्तशिल्पियों को कैशलेस की भ्रांतियों को दूर करने और कैशलेस को बढ़ावा देने के अलावा पेटीएम के जरिए भुगतान की जानकारी भी दी। पिछले 2-3 दिन से जो भी लोग आ रहे थे उनके पास या तो 2000 का नोट था या 500। नेचुरली कि मेरे पास चेंज का प्रॉब्लम हो रहा था, बट कुछ देर पहले ही सर ने मुझे अभी पेटीएम के बारे में बहुत अच्छे से एक एक स्टेप डिटेल पूरा क्लियर किया है। मुझे डेबिट और क्रेडिट के बारे में पता था बट बहुत अच्छे से नहीं जानकारी थी। सर के बस समझाने के बाद मेरे पास 3 से 4 कस्टमर आए जिन्होंने मुझे पेटीएम के थ्रू ही पेमेंट किया। नेचुरली कि मेरे लिए जो मेरा जो वर्क था अभी जो स्टेप था बहुत स्लो था, एक चेंज की वजह से भी कई लोग रिटर्न हो जा रहे थे वो अब नहीं हो रहा है। पेटीएम के जरिए भुगतान की ट्रेनिंग के बाद अब हस्तशिल्पकार आसानी से अपने सामान की बिक्री कर पा रहे हैं, जिससे कारोबार में इजाफा होना शुरू हो गया है। वहीं युवा भी कैशलेस की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका असर हस्तशिल्प प्रदर्शनी में देखने को मिला। जी, मैं घर से शॉपिंग के लिए आई थी कि मुझे घर में डेकोरेशन के लिए कुछ चाहिए, तो मैं इनके यहाँ आई, मुझे ये अच्छा लगा है। इसका 475 है बट एक्चुअली मेरे पास 2000 का नोट था, इसीलिए मैंने इनको थ्रू पेटीएम के थ्रू उनको पेमेंट किया है, तो उसे पेमेंट आसानी से हो गया और इन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की आईटी मंत्रालय ने डिजिटल अभियान लॉन्च किया है। इस योजना के तहत स्किल इंडिया सोसाइटी की टीम ने झांसी में लगी हस्तशिल्प प्रदर्शनी में आने वाले व्यापारियों और आम लोगों को कैशलेस पेमेंट के बारे में जानकारी देने के साथ ही साथ इसके फायदे भी बताए।
मैं स्किल इंडिया सोसाइटी करके झांसी में चला रहा हूँ। हमारी संस्था का उद्देश्य लोगों तक नई नई इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। जैसे कि अभी गो कैशलेस का हुआ है, तो हम लोग एक एक शॉप पे जाके और एक एक लोगों से मिलके उनको अवेयर कर रहे हैं कि कैसे हम कैशलेस को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि हम आपकी जो कैश की किल्लत हो रही है उससे फायदा उठा सकें और उसकी परेशानी को खत्म कर सकें। नोटबंदी से थोड़ा सा जो रुपए का जो लेन देन है उससे प्रभाव तो उस पर पड़ा जरूर है, लेकिन यहाँ पे हमने PNB बैंक की मदद से और स्किल इंडिया लिमिटेड है और भी कई संस्थाओं की मदद से यहाँ कैशलेस बैंकिंग, पेटीएम है, USSD के विषय में एजुकेट किया लोगों को। नोटबंदी के बाद से दुकानदारी के लेन देन पर असर तो पड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे कैशलेस पेमेंट की ओर आगे बढ़ता इंडिया इस परेशानी से उबरने लगा है। बेहतर ट्रेनिंग और सही जानकारी लोगों को कैशलेस इंडिया के लिए जागरूक कर रही है। अब्दुल सत्तार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7, झांसी। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां के गरियाबंद में एक स्कूल एक अदद भवन को तरस रहा है। मैनपुर विकासखंड में एक प्राथमिक स्कूल पिछले 6 साल से झोपड़ी में चल रहा है। बच्चे यहां लकड़ी से बनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। हालात ये हैं, बारिश के दौरान बच्चों का यहां बैठना ही मुश्किल हो जाता है। और इसमें बड़ी बात यह है कि यह झोपड़ी भी ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से बनाई। कहा जा रहा है कि स्कूल के भवन के लिए 5 साल पहले ही राशि पास हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और उसी वजह से यहां पर आज तक भवन नहीं बन पाया। टूटे फूटे छप्पर, दीवारों की जगह लकड़ी के झांकते हुए खंभे और इसके अंदर सुनहरा भविष्य गढ़ते आदिवासी बच्चे। दशा गरियाबंद के आदिवासी इलाके की है, जहां आदिवासी बच्चे पशुओं के तबेले से भी बदतर झोपड़ी के अंदर पढ़ाई करने पर मजबूर हो रहे हैं। समस्या है यहां तो स्कूल का नाम आया, 2-3 बार आवेदन भी दे दिया है और आया नहीं अभी तक स्कूल। झोपड़ी में पढ़ा रहे हैं, बच्चों का समस्या होता है, बारिश जब होता है तो छुट्टी भी करना पड़ता है। स्कूल बीते 6 साल से झोपड़ी में चलाया जा रहा है। ताज्जुब की बात तो ये है कि स्कूल बिल्डिंग के लिए 5 साल पहले फंड अलॉट किया गया था, बावजूद इसके आज तक स्कूल भवन नहीं बन पाया और बच्चे आज भी लकड़ी से बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठकर पढ़ने पर मजबूर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये झोपड़ी भी ग्रामीणों ने अपने सहयोग से बनाकर शिक्षा विभाग को दी है। यहाँ 2012 से अभी तक बिल्डिंग का कोई अता पता नहीं है सर। गांव वाले सहयोग अपने सहयोग से झोपड़ी बना दिए हैं, उसी में काम चल रहा है। भले ही राज्य और केंद्र सरकार बेहतर शिक्षा देने के लाख दावे करे, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि मैनपुर विकासखंड क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। और हैरानी की बात ये है कि स्कूल की इस हालत से विभाग के सभी आला अधिकारी अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन आज तक कोई भी शिक्षा अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा। हाँ, नोटिस जारी किया गया है, BRCC को बोला गया है जी। और अभी क्या है, राज्य कार्यालय से राशि जो है निर्माण कार्य का आ ही नहीं रहा है, इस कारण से हो नहीं पा रहा।